सांप सीढ़ी का खेल करीब 700 साल पुराना गेम है। इसे 13वीं शताब्दी में कवि संत ज्ञानदेव द्वारा तैयार किया गया था। तब इस खेल को मोक्षपट कहते थे। इस खेल में सीढ़ियां वरदानों का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि सांप अवगुणों को दर्शाते थे। इस खेल को कौड़ियों तथा पासे के साथ खेला जाता था। आगे चलकर इस खेल में कई बदलाव किए गए, परंतु इसका अर्थ वही रहा, अर्थात अच्छे काम लोगों को स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे काम दोबारा जन्म के चक्र में डाल देते हैं।